गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आज फिजिक्स में एक नया टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ, उसका नाम है सर्कुलर मोशन। देखिए, सर्कुलर मोशन को समझना शुरू करते हैं हम लोग। सर्कल क्या होता है सबसे पहले तो ये समझिए आप लोग, ठीक। सर्कल क्या होता है? वृत्त, हिंदी में से वृत्त बोलते हैं। क्या होता है? कोई एक निश्चित बिंदु है, ठीक है, कोई एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित एक बिंदु है। एक कोई निश्चित बिंदु है, इससे निश्चित दूरी पर स्थित एक बिंदु है। यह निश्चित दूरी मान लीजिए आर है, इससे स्थित एक बिंदु है। अब इस बिंदु का, जैसे ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है। अब पॉइंट टू का पॉइंट वन के अराउंड, अराउंड मतलब पूरा 360, परितः, हिंदी में परितः कहते हैं ना। तो पॉइंट टू का पॉइंट वन के अराउंड जो लोकस होता है, उसे आप लोग, वो जो आपका शेप बनता है उसे हम लोग कहते हैं वृत्त। ये आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है, ठीक है। और ये जो पॉइंट आपका, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसे हम लोग सेंटर कहते हैं। और ये आपका रेडियस है, ये रेडियस कहलाता है। और ये जो लोकस है ना, इस पॉइंट पॉइंट टू का लोकस, यही बनता है वृत्त। यही बनाता है क्या? वृत्त, दैट इज सर्कल। यही सर्कल बनाता है, ठीक है। और आप लोग को पता है कि इसका जो पेरीमीटर होता है, परिधि, 2πr होता है, और इसका जो एरिया होता है πr² होता है। तो ये तो हो गया सर्कल। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, इस पर चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है, इस तरीके से समझिए आप कि कोई एक सर्कुलर पाथ है, या कोई एक सर्कल है, एक वृत्त है, एक सर्कल है। सर्कल के पेरीमीटर पे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, सर्कल के पेरीमीटर के अलोंग, सर्कल के वृत्त की परिधि की परितः, या वृत्त के परिधि पर, या आप कह सकते हो कि सर्कल के पेरीमीटर के अलोंग कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल का जो मोशन होता है वो हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। हम लोग क्या कहते हैं उसे? सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब देखिए, सर्कुलर मोशन आपका दो तरीके का होता है। एक आपका हॉरिजेंटल प्लेन में, एक सर्कुलर मोशन आपके वर्टिकल प्लेन में। जैसे आप समझिए कि आप एक रस्सी में, एक धागे में, या रस्सी में एक बॉल को बांध लीजिए, उसको आप ऐसे ऐसे ना, इस बोर्ड जो आपका व्हाइट बोर्ड है, इसके आप ठीक पैरेलल, मतलब ये आपका व्हाइट बोर्ड आपका वर्टिकल एक्सिस पे है, तो आप अगर इस तरीके से रोटेट करो, इस तरीके से घुमाओ, ठीक है, रस्सी में बंधे बॉल को, तो उस बॉल का जो मोशन होगा उसे हम कहेंगे वर्टिकल प्लेन में हो रहा सर्कुलर मोशन। लेकिन उसको अगर आप ऐसे घुमाओ, मतलब आपके सरफेस के पैरेलल ना, तब उसे हम कहेंगे कि हॉरिजेंटल प्लेन में ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन दो तरह के कहते हैं। आगे हम लोग उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम लोग बेसिक्स इसका शुरू कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों को मैं लीनियर मोशन पढ़ा चुका हूँ, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका लीनियर वेरिएबल है, लीनियर वेरिएबल और आपका जो सर्कुलर मोशन में जो वेरिएबल होते हैं, देखो सर्कुलर मोशन जो होता है ना, आप ऐसे समझो कि ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस पर एक कोई पार्टिकल ये है, ठीक है, ये इसका ये पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल इसके पेरीमीटर के अलोंग मूव कर रहा है, इसके पेरीमीटर के अलोंग मूव कर रहा है। सपोज करो इनिशियली ये पार्टिकल यहाँ पर था, तो ये आपका, मान लो ये पोजीशन वन है, ये पोजीशन टू है, और इस समय ये थीटा वन एंगल घूम गया ना, यहाँ से यहाँ गया, कितना? थीटा वन घूम के गया। मान लो पॉइंट ले लेते हैं ना, नाम लेते हैं, मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब ये पार्टिकल मूव करके गया इस सर्कल पर, तो इसके अंदर जो आपका थीटा एंगल ये घूमा, ये कितना एंगल घूमा? थीटा एंगल घूमा। अब मान लीजिए बी से सी तक आपका गया और यहाँ पर पहुँचा, ये पॉइंट सी है। और अब अगर ए से इसका घुमाव देखें, ए से कितना घूम गया, तो मान लीजिए ये थीटा टू एंगल, इतना थीटा टू एंगल घूमा, ठीक है। पहले कितना घूमा था? ए से बी जाके थीटा वन एंगल घूमा था। अगर ए से सी पे गया अगर देखा जाए, तो आपका थीटा टू एंगल घूमा। तो अगर देखो तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट, अगर इस सेक्शन में बी से सी में इसका नेट कितना घूमा अगर हम लोग निकालना चाहें, तो इसको हम लोग डेल्टा थीटा लिखें, और ये कितना होगा? थीटा टू माइनस थीटा वन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब जो सर्कुलर मोशन होता है, यहाँ पर एंगल का रोल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सर्कुलर मोशन के जो वेरिएबल होते हैं उनके आगे हम लोग एंगुलर लगाते हैं। जैसे आपका वेरिएबल अगर लीनियर मोशन में है, तो उसे हम लीनियर वेलोसिटी या वेलोसिटी के नाम से भी सिर्फ समझते हैं, आपका एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन के लिए काम चलता है। लेकिन यहाँ पर सर्कुलर मोशन में जो आपका वेलोसिटी होगी, उसे हम लोग
एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, एक्सेलेरेशन को एंगुलर एक्सेलेरेशन करेंगे, मतलब नाम उसमें एंगुलर आपका जुड़ता चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगुलर वेरिएबल्स वेरिएबल्स। अभी हम लोग बेसिकली ये देखने चल रहे हैं कि लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल कैसे एक दूसरे से सिमिलैरिटी रखते हैं, ठीक है, कैसे एक दूसरे के सिमिलर हैं, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। पहला अगर पॉइंट हम लोग डिस्कस करें तो लीनियर मोशन में जो पोजीशन होता था, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन होता था, उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते थे। किसे रिप्रेजेंट करते थे? एक्स से। एंगुलर मोशन में जो पोजीशन होगा पार्टिकल का, एंगुलर मोशन में जो पार्टिकल का पोजीशन होगा उसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से। सेकंड थिंग, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते थे डेल्टा एक्स। क्या लिखते थे? डेल्टा एक्स, दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। एक पॉइंट पोजीशन वन से टू जा रहा है तो एक्स टू माइनस एक्स वन, हम वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स लिखते थे। तो पहले तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको डिनोट करेंगे डेल्टा थीटा से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा थीटा से। जैसे आप समझो ये डेल्टा थीटा क्या है, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? कितना एंगल घूमा, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ तो, लेकिन कैसे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना एंगल घूमा, ठीक है। थर्ड थिंग, यहाँ पे जो हम लोग वेलोसिटी को देखते थे ना, वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी ना, आपकी जो लीनियर वेलोसिटी होती थी, वेलोसिटी को हम लोग लिखते थे v, और v क्या होता था? डी एक्स बटे में डी टी, ठीक है। अगर v को देखो आप, डिफरेंशियल फॉर्म में मैंने पढ़ा रखा है, जो वीडियो बच्चे ना देखे वो प्लीज उसको जाकर वीडियो देख लें, जो लीनियर मोशन मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाया हुआ है, ठीक है, सारी बातें वहाँ पर समझाई मैंने। तो वेलोसिटी v जो होता है डी एक्स बटे में डी टी, आपका डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी होती है, पहले तो उसको हम लोग ये समझें कि उसका नाम क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। देखो एक्स यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो थीटा है, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, ठीक। ओमेगा पर क्या होगा? डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज हम लोग एक्सेलरेशन देखें। एक्सेलरेशन तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता था उसको ए से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, और ये क्या होता था? डी वी बाई डी टी। क्या होता था? डी वी बाई डी टी, या लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, या हम लोग चाहें एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखते थे वी डी वी बाई डी थी डी एक्स ना, वी डी वी बाई डी एक्स ऐसे भी लिखते थे हम लोग। तो अगर इन द वेरी सेम मैनर यहाँ पर अगर हम लोग इससे कोरिलेट करें कि यहाँ पर क्या लिखा जाए, तो एक्सेलरेशन पहले यहाँ पर हो जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या हो जाता है भाई? एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है, और इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। तो देखो ये डी वी बाई डी टी, वी यहाँ पर क्या हो गया? ओमेगा हो गया, तो हम लिख सकते हैं इसको ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, या यहाँ पर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, एक्स क्या है? थीटा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, या अल्फा को देखो ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता था? वी डी वी बाई डी एक्स, तो वी ओमेगा हो गया, तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, एक्स क्या हो गया? थीटा, तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये भी लिखा जा सकता। तो ये एक्सेलरेशन की बात हुई, ये किसकी बात हुई? एक्सेलरेशन की बात हुई। नाउ डिफरेंशियल फॉर्म भी मैंने पढ़ाया हुआ था, डिफरेंशियल फॉर्म देखो यहाँ से, देखो अगर यहाँ से इसको देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा? डी एक्स बराबर आ जाएगा वी डी टी, आ जाएगा कि नहीं? हम लोग इंटीग्रेट कर देते थे इससे, यहाँ से हम लोग को आपका पोजीशन मिल जाता था, पार्टिकल की पोजीशन मिल जाता था। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्म लिखें तो यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ओमेगा डी टी, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका यहाँ पर पोजीशन आता था, यहाँ पर इसका भी पोजीशन आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, यहाँ से जैसे आप एक्सेलरेशन से भी ये टर्म निकाल सकते थे ना, वेलोसिटी इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, ऐसे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू अल्फा डी टी, ठीक है, वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे ना, व्हेन ए कॉन्स्टेंट, जो आपकी एक्सेलरेशन वो कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे, वी बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा क्या लिखते थे?
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हम लोग क्या लिखते थे, तीसरा हम लोग लिखते थे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक, टू ए एस लिखते थे कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें कि अगर अल्फा कांस्टेंट हो, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो यहाँ भी वही आपके इक्वेशन ऑफ मोशन तीन ही मिलेंगे, यहाँ भी आपके इक्वेशन ऑफ मोशन तीन मिलेंगे, बस आप क्या करोगे, कोरिलेट कर दोगे किसको किस चीज से रिप्रेजेंट करना है। तो देखो यहाँ पर ये v क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी, u होता था इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी ओमेगा उसको मान लो, इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट कह देते हैं, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल, आपका यहाँ पे एक्सेलेरेशन वहाँ पे क्या हो जाता है, अल्फा, अल्फा टी, ये पहला इक्वेशन हो गया। यहाँ पे जो ये s है ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, उससे आपने चेंज कर दिया v, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू एस, मतलब टू अल्फा थीटा, टू अल्फा थीटा, टू अल्फा थीटा, इस बात को आप समझ पा रहे हो। अब एक बात समझो, ओमेगा जो है, ओमेगा इसका अगर यूनिट हम लोग देखें, ओमेगा की अगर हम लोग यूनिट देखें ना, ओमेगा की यूनिट देखें, ठीक है, यूनिट ऑफ ओमेगा ऐसे लिखता हूँ, यूनिट ऑफ ओमेगा, ओमेगा की जो यूनिट होती है ये होता है रेडियन पर सेकेंड, ये क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, क्या होता है भाई, रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकेंड होती है। और अगर यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन बात करूँ मैं, तो ये होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर होता है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे होता है यूनिट ऑफ ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, और यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है आपका, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक बात ध्यान से और समझनी है आपकी, आरपीएम, आरपीएम, आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में कितने रोटेशन हो रहे हैं। देखो एक रोटेशन अगर किसी, आप देखो सर्कुलर मोशन पे अगर एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करना है तो कितने एंगल आपको बनेगा, टोटल एंगल कितना बनेगा, 360। अगर पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू करे और चल के फिर यहीं आ जाए, चल के फिर यहीं आ जाए, यहाँ शुरू किया और चल के यहीं आ जाए, तो बताओ कितना एंगल आपको चलना पड़ेगा, 360, तब आपका एक रोटेशन होगा, तो 360 आपका एक रोटेशन होगा। और अगर हम लोग इसको आरपीएम को चेंज करना चाहें तो देखो लिख सकते हैं, वन आरपीएम इक्वल्स टू, देखो टू पाई, टू पाई ये एक मिनट में कर रहा है, तो एक कितने चक्कर में करेगा, टू पाई बाई 60 सेकेंड, ऐसे आप निकाल सकते हो, टू पाई बाई बाई मिनट आप उस हिसाब से निकाल सकते हो ना, तो यहाँ से ये निकाल सकते हो, अगर पाई से ये टू से टू कट जाएगा, टू से 60 कट जाए तो पाई बाई 30, ये क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, क्या आ जाएगा, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। तो वन आरपीएम बराबर और क्या लिख सकते हो, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड, समझ पा रहे हो आप इसको। तो ये रहा आपका एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल में संबंध, एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल में संबंध, इसको आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लोग अगर लिख रहे हो तो इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है, मैंने एक एक चीज़ पर इस पर डिस्कशन की। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग यहाँ पर देखो फार्मूला कितना बना आपका, एक फार्मूला ये बना, अल्फा के लिए देखो ये सारे फार्मूले हैं ना, एंगुलर एक्सेलरेशन के ये फार्मूले हैं, और ये तीनों के तीनों आपके लीनियर इक्वेशन जैसे ही आपके एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गए ना, सर्कुलर मोशन के लिए एक एक्सेलरेशन, सॉरी सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशन मिल गए, जैसे आपने यहाँ पर इक्वेशन लिया था लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, वैसे यहाँ पर सर्कुलर मोशन के लिए आपको इक्वेशन मिल गए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करो एक पंखा है, जो आपके सीलिंग फैन होता है ना वो पंखा है, उसका अभी जो रोटेशनल स्पीड है ना, जो पंखा है आपका देखो वृत्ति गति करेगा कि नहीं, सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं, करेगा, तो मान लो अभी उसकी जो स्पीड है ना, कैसी स्पीड, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी जो दी है उसकी, मान लो वो 120 आरपीएम है, कितनी है, 120 आरपीएम है। अब हो क्या रहा है, जब आपने स्विच ऑफ कर दिया ना, पंखा को पावर देना बंद कर दिया, बिजली नहीं दे रहे आप, ठीक है, तो धीरे धीरे वो बंद होगा, और बंद होने में मान लो वो 10 सेकंड का समय ले रहा है, कितने समय ले रहा है, 10 सेकंड का समय ले रहा है, तो आप बताओ, आप बताओ कि कितने चक्कर वो लगाएगा कि पंखा बंद हो जाएगा, मतलब बंद होने में वो कितने रोटेशन कंप्लीट करेगा, कितने चक्कर लगाएगा, कितने रोटेशन निकालना आपको, यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, अ फैन वॉज रोटेटिंग, रोटेटिंग
एट 120 आरपीएम व्हेन इट वॉज स्विच्ड ऑफ इट टेक्स 10 सेकेंड टू कम टू रेस्ट इफ द फैन रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली, मतलब इसमें जो आपका एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो जब तक वो रिटार्डेशन है क्योंकि बंद हो रहा है ना, लेकिन वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, दैट इज कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्मली देन फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशंस इट टेक्स, कितने रोटेशन ये कंप्लीट करेगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो फॉर्मूला हमारे पास तीन है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट अल्फा टी, ठीक है, पहला। दूसरा जो इक्वेशन है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, ठीक है। अब इसमें गिया क्या है, शुरू में जो आपका ओमेगा है रोटेशनल स्पीड ना, मतलब एंगुलर जो वेलोसिटी है, एंगुलर स्पीड दिया है वो 120 आरपीएम, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, अभी चेंज नहीं कर रहे हम लोग, ऐसे ही रख रहे हैं, ठीक है। और क्या दिया कि स्विच ऑफ जब किया जाता है तो कितना समय लगता है, 10 सेकेंड समय लेता है। अगर देखो ये रोटेशन पर मिनट है, मिनट में, तो इसको सेकंड को भी हम लोग मिनट में बदल दें तो 10/60 दैट इज 1/6 मिनट, ठीक है, 1/6 मिनट ये दिया है। इफ द फैन रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली, मतलब यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज रिटार्डेशन है, मतलब अल्फा नेगेटिव लोगे, अल्फा क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे, क्यों लोगे भाई नेगेटिव, क्योंकि रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट है, मतलब ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब देखो आपको निकालना क्या है, रोटेशन कितना है, मतलब थीटा निकालना है आपको, थीटा निकालना मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा दो या ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला लगाओगे तब अल्फा चाहिए, ओमेगा टी तो है, सॉरी ओमेगा नॉट और टी दोनों है लेकिन अल्फा चाहिए इस फॉर्मूला को लगाने के लिए, ओमेगा नॉट तो है, ये भाई शुरू का इनिशियल है ना, ओमेगा नॉट तो है लेकिन टू अल्फा थीटा, अल्फा नहीं है तो ले देके आपको अल्फा तो निकालना ही पड़ेगा। आइए देखिए अल्फा कैसे निकालते हैं। अल्फा निकालने के लिए पहला इक्वेशन आपके पास है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट अल्फा टी, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जो आपका फाइनल, जब फाइनली आपका कम टू द रेस्ट हो जा रहा है ना, कम आपका फाइनली पंखा क्या हो जाता है, चलना बंद हो जाता है, तो फाइनल जो इसका ओमेगा होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, तो ये तो जीरो हो गया। ओमेगा नॉट इनिशियली कितना था, 120 आरपीएम था। अल्फा क्या है, माइनस है, अल्फा क्या है भाई, माइनस, रिटार्डेशन है ना, रिटार्डेशन तो पहले से हम नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो माइनस पहले हमने रख दिया अल्फा इंटू टी। आप ये भी कर सकते थे, प्लस रखते तो अल्फा का मान निकालते तो क्या आता, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आती, उससे पता चल जाता कि रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन हमने पहले ही रिटार्डेशन मान लिया है तो उसको मैंने माइनस रख दिया, ठीक है। टी कितना है भाई, 1/6, टी कितना है, 1/6 मिनट। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अल्फा बाई सिक्स इक्वल्स टू 120 या अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा 720 आपका, ठीक है, 720 रोटेशन पर मिनट स्क्वायर, ठीक है, रोटेशन पर मिनट स्क्वायर, क्योंकि हमने मिनट में ही लिया ना वैल्यू, हाँ मिनट में लिया, तो ये आ जाएगा 720 रोटेशन पर मिनट स्क्वायर, ठीक है, ये तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा आ गई तो आप किसी में भी वैल्यू पुट कर दो, आपका थीटा का वैल्यू आ जाएगा। देखो ओमेगा कितना है, ये जीरो है क्योंकि फाइनल आपका जीरो हो जाना है, इनिशियल कितना था 120 का स्क्वायर, माइनस ले लेते हैं क्योंकि अल्फा रिटार्डेशन, तो माइनस टू, अल्फा की वैल्यू अब आ गई हमारे पास 720 इंटू थीटा का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो इसको आप लिख सकते हो 2 × 720 इंटू थीटा इक्वल्स टू 120 × 120, ठीक है, 120 × 120। तो यहाँ से अल्फा आप देखो काटो, देखो ये तो आप इससे 6 बार में कटा, 12 × 6 = 72, ठीक है, 6
दूनी 12, 12 से ये कितनी बार कटा, 10 बार में, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रोटेशन, थीटा की वैल्यू आ गई 10 रोटेशन। मतलब कितने रोटेशन ये कंप्लीट करेगा रेस्ट में आने से पहले, 10 रोटेशन। ठीक है, हमने ये आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व किया, आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, आया कि नहीं भाई, हाँ कि नहीं, समझ में आना बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन पे, देखिए एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए मैग्नीट्यूड और एक चाहिए आपका डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, क्या क्या भाई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दैट इज अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर सपोज करो कि एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन चेंज कैसे हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, और या तो क्या चेंज हो जाए, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाए, दोनों कंडीशन में कोई भी वेक्टर हो, वेक्टर को अगर चेंज होना है, वेक्टर चेंज कैसे हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए। ठीक है, समझ पा रहे हो आप, तो आप ऐसे समझो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्यों होता है, ये चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, जब वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आपका रोल में आता है। एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है। एक्सेलरेशन आप बढ़ रहा है तो आपका वेलोसिटी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है तो एक्सेलरेशन आपका बढ़ रहा है ना, और अगर वेलोसिटी समय के साथ घटती चली जाए तो उसमें रिटार्डेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज करता है, वेलोसिटी चेंज पर आपको एक्सेलरेशन मिलता है, वेलोसिटी चेंज पर आपको एक्सेलरेशन मिलता है। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें दो चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्पीड, वो क्या होता है, स्पीड। अब अगर हमें एक्सेलरेशन को चेंज करना है, एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो सकता है, या तो स्पीड चेंज हो जाए, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा भाई, एक्सेलरेशन कितने तरीके से चेंज हो सकता है, या तो स्पीड चेंज हो जाए, या तो क्या चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए मोशन का, या दोनों चेंज हो जाए। किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन चेंज कब कब हो सकता है, या तो स्पीड चेंज हो जाए, या तो डायरेक्शन मोशन का चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस बात को आप समझ पा रहे हो, बचा पा रहे हो। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं ये कहूँ कि बताओ भाई एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना हो सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना हो सकता है, तो आप ध्यान से समझो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है ना, वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है ना, ये 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। कहोगे सर कैसे, क्या बात कह दे रहे हो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो आप कह रहे हो 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। आओ सर समझते हैं, आइए भाई समझते हैं कि कैसे ये बात आपकी सही है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर आपने अपनी कक्षाओं में या अपने स्कूल कॉलेज में, तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जब आपने पढ़ा होगा तो आप इस तरीके से चीज़ें उसमें देखे होंगे कि मान लो कोई एक पार्टिकल है, उसको आपने इस डायरेक्शन में मोशन करा दिया। मान लो अगर ये पार्टिकल जब यहाँ पर है तो इसका जो आप वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी कैसे निकलते हो, टेंजेंट खींच के, तो ये तो इसकी वेलोसिटी हो गई, ये इसकी वेलोसिटी है। लेकिन अगर इसका एक्सेलरेशन देखो तो किधर होगा, डाउनवर्ड जी, क्यों, क्योंकि जब आपने इसको ऊपर की तरफ इस गेंद को फेंक दिया प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये जब आ गया तो वेलोसिटी तो हमेशा आपके मोशन के टेंजेंशियल ना, जो आपका पाथ है पाथ के टेंजेंशियल होगा, लेकिन बॉडी ये जो आपका बॉल है, मान लो बॉल है ये, तो ये हमेशा फ्री फॉल के कारण नीचे की तरफ गिरना चाहेगा,
फ्री फॉल के कारण अंडर ग्रेविटी ये आपका चलेगा ना, अंडर ग्रेविटी के कारण ये नीचे की तरफ गिरना चाहेगा और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स वही फोर्स क्या देगा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, दैट इज आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी लगेगा। देखो जो एक्सेलरेशन होता है ना ये फोर्स के अलॉन्ग होता है, फोर्स के अलॉन्ग होता है, फोर्स के अलॉन्ग होता है। एक्सेलरेशन किसके अलॉन्ग होता है? फोर्स के अलॉन्ग। और जो वेलोसिटी होती है ये टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन फोर्स के अलॉन्ग, वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग। तो यहाँ पर देखो आप वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा आपके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ। मान लो ये जो आप मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया, ठीक है, एच मैक्स पे पहुँच गया, एच मैक्स पे पहुँच गया, तो इस समय इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा? भाई टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। लेकिन अभी भी इसका जो अभी भी इस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन उधर किधर लगेगा? नीचे की तरफ जी ही लगेगा, नीचे की तरफ जी ही लगेगा। सपोज करो ये आपके मोशन में यहाँ पर पहुँचा, कोई ये गेंद यहाँ पहुँचाई, तो अभी इसका जो वेलोसिटी होगा ये टेंजेंस टेंजेंट ऐसे ये वेलोसिटी होगी, लेकिन अभी भी इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? नीचे की तरफ, ये जी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, क्योंकि भाई फ्री फॉल है ना, फ्री फॉल है, अंडर ग्रेविटी बॉडी मूव कर रही है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन, जी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल देखो, ये एंगल देख पा रहे हो, ये एक प्रकार से कैसा एंगल है? 90 से बड़ा है कि नहीं? 90 से बड़ा है। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा है। अच्छा यहाँ पर देखो तो आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल बन रहा है? एक्यूट एंगल, 90 से कम है ना, तो ये एक्यूट एंगल बन रहा है। तो यही तो मैं अभी कह रहा था कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 0 से 180 की डिग्री में कोई सा भी कोण हो सकता है, 0 से 180 की डिग्री के बीच में कोई सा भी कोण हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन, अब हम लोग बेसिकली एक्सेलरेशन को देखने चल रहे हैं, अब हम लोग एक्सेलरेशन को देखने चल रहे हैं। आइए समझते हैं एक्सेलरेशन को और फिर हम उस एक्सेलरेशन को सर्कुलर मोशन पे लेकर चलेंगे। मान लीजिए एक कोई पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है वी, वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। और एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी के साथ अगर हम देखें जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से, मान लो ये एक्सेलरेशन ए है और ये वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाता है, वेलोसिटी से कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। तो अगर हम इस एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करें तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगेगा, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगेगा अलोंग द वेलोसिटी, अलोंग द वेलोसिटी, इसको हम लोग एटी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका नाम है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? अलोंग वेलोसिटी होता है, ठीक है, अलोंग वेलोसिटी, अलोंग वेलोसिटी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर लगता है भाई? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर लगता है? वेलोसिटी के अलोंग। इसको एटी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसको अगर हम लोग इधर लिखना चाहें तो ए कॉस थीटा आ जाएगा ना, एटी कितना आ जाएगा? ए कॉस थीटा, ठीक। हालांकि हमें इसके ए कॉस थीटा ए साइन थीटा से मतलब नहीं है, बस हमें ये समझता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर लगता है भाई? वेलोसिटी के अलोंग। अब इसी का देखो एक कंपोनेंट तो ये हो गया, एक कंपोनेंट इसके नॉर्मली होगा और इसको हम लोग कहेंगे an, नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन किधर होता है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देखो ये a cos थीटा, तो ये a sin थीटा हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। मैंने फिर भी बताया कि ए साइन थीटा ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड पर आप मत जाइए, उसको छोड़िए। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये कैसा एक्सेलरेशन? नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है अलोंग वेलोसिटी, नॉर्मल एक्सेलरेशन लगता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब देखिए जो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, चूंकि ये वेलोसिटी के अलोंग लगता है तो ये करता क्या है? ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा घटा सकता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा घटा सकता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड। तो ये क्या करता है? इट चेंजेज स्पीड। ये स्पीड को बढ़ा घटा सकता है, स्पीड को बदल सकता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन की, अगर हम लोग बात करें नॉर्मल एक्सेलरेशन की, तो ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो नहीं है, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है। ये क्या कर सकता है? मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ये मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है।
तो ये वैसे लिख सकते हैं हम लोग, इट कैन चेंज या इट चेंजेज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को चेंज करता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज करता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसको चेंज करता है? स्पीड को चेंज करता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसको चेंज करता है? स्पीड को चेंज करता है। देखो कैसे, आप एग्जांपल इसका भी देख लो, इसका भी एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो एक कोई पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है स्ट्रेट लाइन मोशन है विथ वेरिएबल स्पीड। समय के साथ इसकी स्पीड बढ़ घट रही है, समय के साथ इसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ घट रही है। तो यहाँ पे बताओ नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट जीरो होगा? एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है वेरिएबल स्पीड के साथ, तो आप बताओ यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो है कि टेंजेंशियल? आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो है। क्या है? नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो वेलोसिटी के अलोंग होता है, लेकिन सपोज करो मान लो इस तरीके से कोई आपका मोशन हो रहा है, ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से मोशन हो रहा है। तो अगर मान लो ये पार्टिकल है और अभी इसकी अगर वेलोसिटी हम लोग देखें तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है? वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है? वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर बताओ नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में कौन सा एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, और यहाँ पर हम ये भी आपको बता दे रहे हैं कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, ये कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड इसकी बढ़ घट नहीं रही है। देखो कॉन्स्टेंट स्पीड, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या कहता है? स्पीड ही बदलता है, लेकिन स्पीड अगर कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन क्या चेंज, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या चेंज करता है डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखो आपका समय के साथ जो मोशन है, मतलब जो पार्टिकल का मोशन है वो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आपका नॉर्मल रिएक्शन तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो इट प्रूव्स दैट कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंजेस द स्पीड वेयर एज नॉर्मल रिएक्शन चेंजेस द डायरेक्शन। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम लोग देखने चल रहे हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेरिएबल एंड एंगुलर वेरिएबल, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेरिएबल एंड एंगुलर वेरिएबल के बीच। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग। अब हम लोग प्योर चल रहे हैं कहाँ पर? प्योर चल रहे हैं सर्कुलर मोशन पे है। ठीक है, तो ये तो अभी हमने बेसिक्स पे चर्चा थोड़ी की, जैसे आपका बेस स्ट्रांग हो। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं पढ़ने रिलेशन बिटवीन लीनियर वेरिएबल एंड एंगुलर वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर वेरिएबल्स और एंगुलर वेरिएबल्स के बीच में हम लोग रिलेशन देखने चल रहे हैं। सपोज करो कि कोई पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से। ठीक, ये रेडियस आर रेडियस का सर्कल है। ठीक, इसकी जो इस समय वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियली होगी इस तरीके से, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये तो आपका लीनियर वेलोसिटी हो गया। और अगर इसका रोटेशनल स्पीड देखा जाए, रोटेशनल वेलोसिटी दैट इज एंगुलर वेलोसिटी देखा जाए, तो वो ओमेगा है, इस तरीके से मूव कर रही है, और ये आपका इस पॉइंट पर इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी, तो ये लीनियर वेलोसिटी हो गई, लीनियर वेलोसिटी, और ये हो गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हमसे ये पूछा जाए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में आपका रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन होता है v बराबर r ओमेगा। ये क्या है भाई? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या है? ये संबंध है। अब अगर इस तरीके से बात करो कि एक कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसी इंस्टेंट पे देखो, अब ये अगर पार्टिकल है, समय के साथ देखो, आप यहाँ जाओगे तो इसका डायरेक्शन चेंज, इसके मोशन का, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? इस डायरेक्शन में है। यहाँ वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर इस पार्टिकल का मोशन देखो, तो इसका आपका वेलोसिटी डायरेक्शन टेंजेंशियल
इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये ऐसे टेंजेंशियल, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो हर पॉइंट पर एवरी इंस्टेंट इसका जो वेलोसिटी है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। वेलोसिटी अगर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो कर रहा होगा, डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। एक्सेलरेशन मतलब आपका बदल रहा होगा, एक्सेलरेशन क्या है मतलब बदल रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखो आपका एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो एक आपका कौन सा एक्सेलरेशन होगा जो आपका डायरेक्शन चेंज करता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी पर नॉर्मल परपेंडिकुलरली वो आपका देखो कोई भी सर्कुलर पाथ है तो यहाँ से आप नॉर्मल जाओगे तो कहाँ से सेंटर को सब पास करोगे, यहाँ से भी नॉर्मल जाओगे तो इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल रिएक्शन ए एन लग रहा होगा, इस पर आपका परपेंडिकुलर। यहाँ से अगर आप जाओगे ठीक है तो ये भी आपका इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एन लग रहा होगा। और ये जो ए एन है, ये जो ए एन है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ लगता है इसलिए इसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन है ये, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यही एक्सेलरेशन उत्तरदायी है सर्कुलर मोशन कराने के लिए। सर्कुलर मोशन ये हो क्यों पा रहा है, उसका कारण ही यही है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये आपकी बॉडी को एक्सेलरेशन दे रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये आपका नॉर्मल आपका जो एक्सेलरेशन है, ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है यहाँ पर पार्टिकल पे, इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसको ए सी से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाई आर होती है, इसको आर ओमेगा स्क्वायर आर भी लिखते हैं। वी स्क्वायर बाई आर होती है, इसको ओमेगा स्क्वायर आर भी लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, ये सेंट्रीपिटल।